तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि फ़्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए जो शुरू करते हैं। इसके लिए जो है आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पे तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को जाना है माई ऑर्डर के ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली फ़ुटबॉल जो है ऑर्डर किया है, तो इस पर जो हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो आप सभी को यहाँ पास कैंसिल का बटन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पास, ठीक है। तो यहीं पे जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछेगा रीज़न, कारण बताओ कि किस कारण से जो है आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सभी को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आप अपना कारण जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है आई हैव चेंज माई माइंड वाला ऑप्शन भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यही वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप सभी को ये चीज़ जो है ना, इसको यहाँ पे टाइप कर देना है सीधे सिंपल। यहाँ पे कमेंट करने को बोल रहा है, तो मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज माई माइंड, ठीक है। यहाँ पास लिखने के बाद जो है मैं ये सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर आपने किया है और आपके पास डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप इस तरीके से जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।